प्रज्ञा मेरी बच्ची तू आ गई बेटा। बेटा तू ठीक है ना? जी दादी। बेटा तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था? वो स्विच ऑफ हो गया था दादी। तो कहीं और से कर देती ना बेटा, पता बहुत परेशान थी मैं, मेरी तो जान निकल रही थी। रिलैक्स दादी, मैंने कहा था ना आपसे कि आपकी बहू को सही सलामत वापस लाऊं। सही सलामत तो ले आया, पर ऐसी नौबत क्यों आई? बहू को शिमला लेके जा रहा था ना, और ले गया यहाँ की किसी होटल में। अरे काम ही करना था तो बहू का घर में छोड़ जाता, होटल में ले जाने की क्या जरूरत थी? और तू बेटा वहां परेशान तो नहीं हुई? नहीं दादी, और आप इनसे कुछ मत कहिए। दरअसल मैंने ही इनसे कहा था कॉन्सर्ट में जाने के लिए, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से इनका कोई नुकसान। तू इसकी साइड मत ले, तूने इसको जाने को कहा और ये चला गया। ये नहीं बोल सकता था कि मैं तुझे अकेली को नहीं छोड़ूंगा? तो इससे ज्यादा इसका काम जरूरी था? दादी, दादी मैं इसकी बात कैसे टाल सकता? इसने तो अपना पत्नी होने का फर्ज पूरा कर दिया, पर तूने क्या किया? ना पति होने का और ना ही पोता होने का फर्ज पूरा किया। काम तो सारी जिंदगी होता रहता है, पर शादी के बाद के ये दो पल खुशी के दोबारा नहीं आते। शादी के बाद बहू को ये खुशी देना चाहती थी, जो तूने उसकी खुशी छीन ली। किसके लिए? पैसों के लिए? अरे उसे पैसा नहीं, तेरा साथ चाहिए। मुझे लगा था शादी के बाद तू बदल जाएगा, पर नहीं। कितनी गलत थी मैं ना, तू तो अभी भी देख, अभी तू मेरी कदर नहीं कर सकता, ना कर, पर इसकी कदर जरूर कर। जितना अच्छा तू सिंगर है ना, उससे अच्छा पति बन के दिखा। अब दोबारा अगर तूने प्रज्ञा को परेशान किया या उसको खुशी ना दे पाया, तो याद रख दादी भी इस घर में खुश नहीं रह पाएगी। और वो भी प्रज्ञा के साथ ही ये घर छोड़ के चली जाए। फिर बेटा तू काम करना, सारी जिंदगी काम करना, टाइम ही टाइम होगा तेरे पास, जितना मर्जी पैसा कमा लेना। पर याद रख, जब तेरे पास फुर्सत के दो पल होंगे, उस वक्त तेरे पास कोई नहीं होगा जो तेरे साथ ये फुर्सत के पल गुजार सके, दो खुशी के पल गुजार सके। आज पहली बार दादी ने मुझसे इस तरीके से बात की। कर लिया तुमने जो करना था ना, यही करना चाहती थी ना तुम? मुझसे बदला लेना चाहती थी ना? मैंने तुमसे पूरब को दूर किया तो तुम मुझसे मेरे परिवार को दूर कर रही हो। आज तुम्हारी वजह से मेरी दादी ने मुझसे इस तरीके से बात की। मैं तो करा कि तुम्हारा इससे कुछ भी करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। अरे एक बार इसका गला दबा दो ना, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। भाई कंट्रोल, भाई पता है आलिया, मैं दादी का गुस्सा झेल सकता हूँ, लेकिन अब इसे नहीं झेल सकता। जब से ये मेरी लाइफ में आया, एक दिन सुकून से नहीं निकला है मेरा। सोचा था चार दिन में आराम से रहूंगा, लेकिन कहा था ना मैंने तुमसे, कहा था ना कि उस कमरे से बाहर नहीं जाना। फिर क्यों गई तुम उस कमरे से बाहर? Why? और एक क्या गेम खेल रही हो तुम? और क्यों पुलिस स्टेशन में मैंने तुम्हारी मॉम के सामने तुम्हारा साथ दिया, तो दादी के सामने तुम मेरी खामियां क्यों भर रही थी? भाई, just leave her. Why should I leave her? She should leave this house.